तो एक लंबी रात के इंतज़ार के बाद हम लोग दौड़ते भागते हुए पहुंचे हमारे एनाटॉमी थिएटर में। वहां पर हमने एक लेक्चर अटेंड किया, अटेंडेंस दिया और सब सीढ़ियां चढ़ने लगे और अप्रन पहन के हम पहुंचे डिसेक्शन हॉल के सामने। डिसेक्शन हॉल में पहुंचने के बाद हम लोगों को मिले दो कागज़। एक कागज़ था एक वाव जो हम लोगों को लेनी थी हर कैडावर को रिस्पेक्ट देने के लिए, और दूसरा हम सभी लोगों को एक ब्लैंक पेपर दिया गया था। मुझे पहले पता नहीं था कि ये दोनों पेपर कैसे यूज़ होने वाले हैं। उसके बाद लाइन से खड़े होके हम लोगों ने अपने हाथ आगे किए और सर के साथ ये सारे भाव्स हमने रिपीट किए, जैसे कि हमको कैडावर को हमेशा रिस्पेक्ट देना है और वो हमारी फर्स्ट टीचर है। और उसके बाद हम लोगों को एक और ब्लैंक पेपर दिया गया और उसके बाद उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हमको बोली कि आज आपका एनाटॉमी डिसेक्शन हॉल में पहला दिन है और अपनी सारी फीलिंग्स और अपने कैडावर के की ओर आपका क्या ग्रेटिट्यूड फील हो रहा है उसके बारे में आप लोग पेपर पे लिख के सबमिट कीजिए। तो सबको अपने अपने लैंग्वेज में लिखना था कि उनका फर्स्ट डिसेक्शन हॉल का एक्सपीरियंस क्या था, और उसके बाद हम सब लोगों ने उसको जाके सबमिट किया। उसके बाद हमने फूलों से सारे जितने भी कैडावर हैं उन सबको रिस्पेक्ट दिया और उसके बाद हम एक और बार लाइन में लग गए। और जब हम एग्ज़िट कर रहे थे एनाटॉमी हॉल से, उसके बाद सर ने कुछ अलग ही डिसाइड किया। सर चॉकलेट ले आए और हर एक बच्चे को एक एक चॉकलेट देने लगे। फिर मिला हम लोगों को एक घंटे का ब्रेक और हम चले गए लंच खाने। फिर फिजियोलॉजी के दो क्लास करने के बाद हमको प्रोफेसर ने समझाया कि हम लोगों की MBBS कैसे जाने वाली है, और उन्होंने नीट PG जो दो स्टेप में होने वाला है उसके बारे में भी समझाया। तो आखिरी में सारे बच्चे काफ़ी स्ट्रेस्ड हो गए थे और उसके बाद लेक्चर ख़त्म हुआ और हम आ गए घर। आई होप आप सभी लोगों को ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैं जा रहा हूँ होमवर्क करने और आपका दिन भी शुभ कटे।